एक फरवरी को देश का बजट पेश होगा। हर किसी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। जनता को वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें हैं। जनता की क्या उम्मीदें हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं एक्सपर्ट्स की राय। आपको जो बेसिक स्लैब है 2.5 लाख का, उस 2.5 लाख को बढ़ा के 4 लाख, 5 लाख, कम से कम 3-3.5 लाख तो किया जाना ही चाहिए। छोटे छोटे अलाउंसेस है जिनके सभी करदाता लाभ नहीं उठा पाते हैं, उन सबको हटा के, और उससे कुछ सिंपल भी हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के समझिए 50,000-60,000 आपकी सैलरी में से एक स्टैंडर्ड कटौती हो जाए आपके पर्सनल खर्चों के लिए। टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कि अभी 30% से ऊपर है, उसको घटा के 25% के करीब कम से कम कर दिया जाए, जिससे कि उनको आगे आने वाले सालों में राहत मिले। टैक्स पेयर्स का जो इनकम टैक्स का रेट है वो 30% जो हाईएस्ट स्लैब है उसको उसी प्रोपोर्शन में सरकार को घटाना चाहिए, और बाकी के जो स्लैब है उनको भी प्रोपोर्शन में घटाएं, तो मैं समझता हूं देश के टैक्स पेयर्स के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। और इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स की सीमा है वो कम से कम 4 लाख रुपए सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। कुछ परसेंटेज कमी होगी कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में, कुछ बेनिफिट मिलेगा इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को, जैसे कि स्लैब इंक्रीज हो जाएंगे 2.5 लाख से, क्या उम्मीद है कि 4 लाख तक हो जाएंगे। तो ऐसी उम्मीदें सरकार टैक्स पेयर्स को होनी चाहिए। जेटली जी ने 25% टैक्स करने की बात की थी, उसकी तरफ अभी आगे बढ़ना शुरू हो जाए, हमें तो आशा है कि इसी बजट में 25% हो जाए, लेकिन जो भी टैक्स रेट से उसे कम तो जरूर हो जाए। दूसरा है कि टैक्स नेट वाइडर करने की जरूरत है, ज्यादा लोग टैक्स में टैक्स भरना शुरू करें, उसके लिए कोई प्रावधान करने की जरूरत है। कॉरपोरेट इंडिया जो है पूरी उम्मीद लगाए बैठी है कि 25% कॉरपोरेट टैक्स उसको सरकार इस साल कर देगी, कि जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा है। और जहां तक व्यक्तिगत टैक्स का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सरकार इसको करना चाहिए कम से कम 5 लाख रुपए तक जो है इसको फ्री नो टैक्स के अंतर्गत लाना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली जो क्षेत्र और जो व्यक्ति इसके दायरे में नहीं है उनको भी इस टैक्स नेट में ला करके इसको वाइडन करना चाहिए। एक फरवरी को देश का बजट पेश होगा। नौकरी पेशा लोगों की नजरें आम बजट पर टिकी हुई हैं। सबको उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में सरकार छूट देगी। आइए देखते हैं उनको वित्त मंत्री से क्या चाहिए। टैक्स स्लैब में थोड़ा सा फर्क करना चाहिए ताकि एक आम आदमी उसमें जुड़ सके। ज्यादा टैक्स होने की वजह से लोग बाग काला धन इकट्ठा करते हैं, और वो अगर स्लैब कम होगा तो आम आदमी खुशी खुशी आपको टैक्स देगा। तो हमें 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाना चाहिए ताकि आम आदमी जो एक सर्विस क्लास है या छोटा बिजनेसमैन है वो खुल के व्यापार भी कर सके और उसको कोई तकलीफ ना हो, वरना वो बड़े आदमी की मैनिपुलेशन के चक्कर में खुद और छोटा हो जाता है। टैक्स के स्लैब को कम कर दिया जाए, यानी कि अभी तक जो 2 लाख रुपए की सीमा है उसको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स ना लगाया जाए, और 5 लाख से 10 लाख पर यदि 5% टैक्स लगाएं, और 10 लाख के बाद 20 लाख तक 10% टैक्स लगाएं, और 20 लाख के बाद यदि हम ज्यादा टैक्स भी सरकार यदि लगा दे तो मैं समझता हूं कि इससे लोगों की भरपाई हो सकती है और सरकार को और देश को निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। हम टैक्स पेयर लोग ये चाहते हैं सारे टैक्स खत्म करके एक टैक्स रखा जाए जिससे लोगों को पूरी राहत मिले। तो टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स, वो कम करना चाहिए ताकि थोड़ा रिलीफ मिले लोगों को। टैक्स लागू का जो है बहुत लोगों को, मतलब सर्विस होल्डर्स ये वो, बहुत लोगों को टैक्स लागू हो ही जाता है, तो उसको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। ब्लैक मनी जो वापस आया है तो शायद सरकार के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा कि हमारा टैक्स, तो आई थिंक इट शुड बी जीरो, एंड इसी वजह से शायद इस बजट से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ब्लैक मनी वापस आ चुका है। टैक्स डिडक्ट कम नहीं होना चाहिए, आई थिंक जीरो हो जाना चाहिए,
सो दैट जो आम इंसान है उनको फायदा मिले। इंडिविजुअल में जो लिमिट्स हैं, जो 5 लाख तक की लिमिट है, 5 से 10 की और 10 ऑनवर्ड्स की लिमिट है, उसको ये इंक्रीज करें, 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख करें एग्जेम्पशन लिमिट को, और जो 10% 20% और 25% के स्लैब रेट्स हैं उसको 5 से 10 ले जाएं, 10 से 20 ले जाएं, और फिर 20 के अबव 25% ले जाएं। टैक्स स्लैब में छूट दे, जनता को राहत मिले, खासकर सैलरीड पर्सन को, चूंकि हम भी सैलरीड पर्सन है, उसको राहत मिले।